इंडियाज बेस्ट डांसर में आप लोगों ने टोनी कक्कड़ और मनीषा रानी को कल देखा सोनी टीवी पे। मेरी मम्मी भी देख रही थी। मेरी मम्मी ने खुद मुझे फ़ोन करके बताया कि अरे यार यहाँ पर मनीषा आ गई है और साथ में टोनी कक्कड़ भी। मैंने बोला हाँ मम्मी मुझे पता है, पर एपिसोड कब आना है मुझे नहीं पता था। पर मम्मी ने मुझे बताया अब जो है ये एपिसोड की शूटिंग पहले हो चुकी थी, पर एपिसोड जो है कल आया सोनी टीवी पे, मनीषा रानी का जमुना पार का जो वो प्रमोशन करने के लिए टोनी कक्कड़ के साथ गई थी। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब मनीषा रानी जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है, और इमोशनल तो यार होगा ही कोई। इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतनी सारी चीज़ें मनीषा रानी ने देखी, और मनीषा रानी ने ये सब चीज़ें शिद्दत से की, इसीलिए मनीषा रानी को लोगों से इतना प्यार मिला और इतना पॉजिटिव, जो लोगों ने पॉजिटिविटी दी है ना मनीषा रानी को, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मनीषा रानी ने इसी जो एंट्री की वीडियो है वो शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे लिखा है कि ये जर्नी जो है 2015 में शुरू हुई थी, वो भी डांस इंडिया डांस में, जहां पर मैं एक कंटेस्टेंट बन के गई थी। मेरी जर्नी वो थी, अमेजिंग जर्नी थी वो। और अब ये बहुत अमेजिंग है कि इंडियाज़ बेस्ट डांसर में मैं बतौरा गेस्ट बन के आई हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। ये 8 साल के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वो चीज़ हुई है। बस मैं थैंक्सफुल हूँ गॉड की, भगवान की, जिन्होंने मुझे इतना सब चीज़ें दिया, और मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे फैंस की कि फैंस ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सही बात है, भगवान जी ने बहुत अच्छी जो है चीज़ें मनीषा रानी में डाली, और मनीषा रानी के लिए बिग बॉस का ऑफ़र आना, आके मनीषा रानी ने जिस तरीके से अपना ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाई हैं वो आप लोगों को पसंद आई, तो डेफिनेटली यार ये तो ग्रेटफुल होगी ही ना। तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे मनीषा रानी को? यही मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मनीषा आप हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी आपसे प्यार कर ले। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।